हे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नरूटो के प्रोमो के बारे में, क्योंकि नरूटो का ऑफिशियल प्रोमो जो है वो बाहर निकल के आ चुका है। लेकिन सिर्फ प्रोमो के बारे में बात नहीं करेंगे, साथ ही हम लोग नरूटो के रिपीट टेलीकास्ट की टाइमिंग के बारे में बात करेंगे और नरूटो के इस बार कितने सीजन आने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही कुछ कमाल के एनिमे अपडेट्स भी हैं। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है जीजीके के मांगा को लेकर, क्योंकि जीजीके का मांगा जो है वो इस साल खत्म होने वाला है और जो भी जुजुत्सु काइसन सीरीज के जो फैन है उनके लिए तो काफी बुरी न्यूज है। लेकिन आप लोग क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है सुपर मारियो ब्रॉस की मूवी को लेकर, क्योंकि जापान का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है टॉप 10 मूवीज का वो बाहर निकल के आ चुका है, जो कि टिकट सेल्स के बेसिस पर है। जैसे कि नंबर 1 पे सुपर मारियो ब्रॉस की मूवी है जिसने 6.53 बिलियन येन का कलेक्शन किया, और दूसरे पे है डिटेक्टिव कोनन की ब्लैक आयरन सबमरीन मूवी जिसने 10.03 बिलियन येन का कलेक्शन किया है। और बाकी मूवीज का भी आप लोग कलेक्शन स्क्रीन के ऊपर शो होता ही होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा हम लोग बात करें अब अपने नेटफ्लिक्स के अपडेट के बारे में, जिसके ऊपर अल्ट्रामैन फाइनल की जो सीरीज है वो स्ट्रीम हो रही है, तो अगर आप लोग पास सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग जाके इसे देख लेना। इसके अलावा हम लोग एनिमे मूवीज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं डीबीएस सुपर हीरो मूवी के बारे में, क्योंकि डीबीएस सुपर हीरो मूवी जो है वो 13.8 बिलियन का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन कर लिया अभी तक। और इस बड़े कलेक्शन के साथ ही डीबीएस सुपर हीरो मूवी जो है वो डीबीएस ब्रॉली मूवी को सरपास कर चुकी है, क्योंकि डीबीएस ब्रॉली मूवी ने 13.5 बिलियन का कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड में। लेकिन अब उसको बीट करके ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी जो है वो ड्रैगन बॉल की नंबर 1 मूवी बन चुकी है, जो कि काफी अमेजिंग बात है। इसके अलावा हम लोग बात करें अब अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है क्रंची रोल को लेकर, तो क्रंची रोल के ऊपर कुछ और नए एनिमे स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुके हैं और मैं तो यही कहूंगा कि क्रंची रोल जो है वो बहुत तेजी से अपने लाइब्रेरी को एक्सपेंड करते ही जा रहे हैं। इसके अलावा ये तो आप लोग सिर्फ सब लैंग्वेज और डब में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ हिंदी डब एनिमेज को चेकआउट करना है तो आप लोग डीमन स्लेयर सोर्स विद विलेजर को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसका एपिसोड 1 और 2 जो है वो क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डब में अवेलेबल है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसका हिंदी डब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कैरेक्टर्स को हटा दिया जाए तो कुछ कैरेक्टर्स की वॉइस जो है वो थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए अगर आप लोग डीमन स्लेयर हिंदी डब में देखने का मन है तो आप लोग इसे जाके जरूर देखना। इसके अलावा डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेजर की वॉइस कास्ट भी निकल के आ चुकी है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और अब आप लोग ये देख लो कि आपके फेवरेट कैरेक्टर को किसने वॉइस दी है। इसके अलावा आप लोगों ने भी अगर डीमन स्लेयर का हिंदी डब देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो कि आप लोगों को किस कैरेक्टर की हिंदी वॉइस सबसे अच्छी लगी। लेकिन अगर आप लोगों को कोई अच्छी क्वालिटी का हिंदी डब का एनिमे देखना है तो आप लोग कामिकात्सु यानी वर्किंग फॉर गॉड एंड गॉडलेस वर्ल्ड का एनिमे चेकआउट कर सकते हो, जो कि आप लोगों को ऑफिशियल हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा क्रंची रोल के ऊपर, और इसका हिंदी डब एक्चुअल में काफी ज्यादा है, तो आप लोग इस एनिमे को जाके जरूर देखना। इसके अलावा हम बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है एनिमेस को लेकर, क्योंकि एनिमेस के ऊपर 25 मई से गोल्डन कामुई का एनिमे जो है वो स्टार्ट होने वाला है और ये एनिमे आप लोगों को हर दिन शाम के 6 बजे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें अब कुछ कार्टून नेटवर्क इंडिया के अपडेट्स के बारे में, क्योंकि कार्टून नेटवर्क के ऊपर कल आप लोगों को ड्रैगन बॉल जी सुपर एंड्रॉइड 13 की मूवी देखने को मिलेगी दिन के 1 बजे, तो अगर आप लोगों ने इस मूवी को मिस कर दिया था तो आप लोग इसे कल देख लेना। इसके अलावा नरूटो के स्टार्ट होने से एक दिन पहले यानी 21 मई को आप लोगों को ड्रैगन बॉल जी रिटर्न ऑफ कूलर की मूवी देखने को मिलेगी, और ये मूवी आप लोगों दिन के 12:15 पे देखने मिलेगी, जिसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो। बट इसके अलावा आप लोगों को इस संडे को ड्रैगन बॉल जी काई का फ्रीजा सागा देखने मिलेगा, जो कि आप लोग जाके जरूर देखना, क्योंकि ये जो सागा होने वाला है ड्रैगन बॉल जी काई का ये एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट सागा है पूरे ड्रैगन बॉल जी सीरीज में, तो आप लोग इस संडे को भी ड्रैगन बॉल जी काई को जरूर देख एंजॉय करना और सपोर्ट करना। इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है नरूटो को लेकर, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू सोनिया को कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने नरूटो का जो प्रोमो लाया है वो काफी ज्यादा कमाल का लाया है, क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि नरूटो का ओवरले देखने हम लोग को मिल रहा है और वो भी रिलीज डेट के साथ। लेकिन फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही हम लोग को प्रोमो देखने को मिल गया था, जो कि मैंने आप लोग को कहा था कि अगर आप लोग टीवी देखते रहोगे तो आप लोग को हो सकता है कि प्रोमो भी देखने को मिल जाए, और एग्जैक्ट वही हुआ, हम लोग को उसके बाद प्रोमो भी देखने को मिल गया नरूटो का। और सच बताऊं तो इस बार प्रोमो जो है वो काफी ज्यादा कमाल का बना है, मतलब प्रोमो को देखने से जिस तरह से एक्साइटमेंट वाली फील आती है वही आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे कमेंट में कि उन्होंने नरूटो देख लिया वो शिपुडेन में आ गए हैं, लेकिन सच बताऊं तो इस प्रोमो को देखने के बाद उन लोगों को भी गूज़बम्स आ गए होंगे। लेकिन प्रोमो के बारे में बात करें तो प्रोमो के अंदर हम लोगों को नरेटर की वॉइस सुनने को मिली, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी, और साथ ही हम लोगों को सैंड सिबलिंग्स भी देखने को मिले यानी गाला की टीम। बट इन सब के बाद हम लोगों को प्रोमो के अंदर ये दिखाया जाता है कि ही इज बैक अगेन, यानी कि यहाँ पे सोनिया नरूटो के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फैंस जो है वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे नरूटो का, लेकिन अब नरूटो फाइनली आ चुका है। बट फिर उसके बाद हम लोगों को नरूटो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मतलब आप लोगों ने अभी तक नरूटो को बिल्कुल बच्चे की तरह देखा होगा, हालांकि वो बच्चा ही है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि नरूटो जो है वो हमेशा मस्ती करते रहता है या फिर इतना ज्यादा खतरनाक टाइप का नरूटो हम लोगों को
नहीं दिखाया जाता है, लेकिन लिटरली आप लोग इस सीन को देखो और इस सीन को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो के नए पावर्स के बारे में। और अभी हम लोगों को प्रोमो के अंदर दिखाया भी गया है कि नारुतो और सास्के के बीच में बैटल होगी, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाइट है नारुतो सीरीज में। और अभी ये तो सिर्फ प्रोमो था, अभी नारुतो के जो एपिसोड्स आने वाले हैं उसके अंदर हम लोगों को काफी सारी अमेजिंग चीजें देखने को मिलेगी, जिसके लिए सच बताऊं तो मैं तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नारुतो जो है वो सिर्फ 10 दिन के अंदर में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि नारुतो आप लोगों को 22 मई से मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे देखने को मिलने वाला है। और इस न्यूज का क्रेडिट मैं ड्रेजिमोन और एनीलॉग ऑफिशियल और सस्ता तांजीरो और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उनको देना चाहूंगा। और हम लोगों ने प्रोमो और रिलीज डेट के बारे में बात कर ही लिया, लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं नारुतो की रिपीट टेलीकास्ट के टाइमिंग के बारे में और नारुतो के कितने सीजन आने वाले हैं इस बार वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रोमो के अंदर नहीं दिखाया गया है कि नारुतो के कितने सीजन आने वाले हैं। हालांकि जब सोनी ने नारुतो को लास्ट टाइम खत्म किया था तब उन्होंने एक प्रोमो लाया था कि नारुतो सीजन 5, 6, 7, 8 जो है वो एक साथ हम लोग को देखने को मिलने वाला है, बट इस बार जो हम लोग को नया प्रोमो देखने को मिला है उसके अंदर हम लोग से ब्रांड न्यू सीजन को दिखाया गया है, लेकिन इस बार कोई भी सीजन को मेंशन नहीं किया गया है, जिसके बाद से काफी सारी ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज है कि इस बार हम लोग को नारुतो के कितने सीजन देखने को मिलेंगे। तो देखो मैं तुम लोग को क्लियरली बता देता हूँ कि नारुतो के हम लोग इस बार जितने भी सीजन सोनिया ने बताए थे यानी सीजन 5, 6, 7, 8 वो सभी सीजन देखने को मिलेंगे। एक तरह से मुझे लगता है कि सोनिया जो है वो नारुतो की हाइप बनाना चाहते होंगे, क्योंकि नारुतो की हाइप जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए शायद हो सकता है कि सोनिया ने सीजन को मेंशन नहीं किया इस बार प्रोमो में। इसके अलावा हम लोग बात करें अब नारुतो के रिपीट टेलीकास्ट के बारे में, क्योंकि नारुतो रिपीट टेलीकास्ट हम लोग को पिछले बार बताया नहीं गया था, क्योंकि पिछले बार हम लोग को नारुतो का जो रिपीट टेलीकास्ट था वो रात के 9 बजे ही हुआ था, लेकिन इस बार फैंस चाहते हैं कि रिपीट टेलीकास्ट हो नारुतो का, क्योंकि इस बार आईपीएल चल रहे हैं और रात के 9 बजे ज्यादातर घर में आईपीएल चलता है। इसके अलावा बहुत से जो टीनेजर्स हैं उनके घर पे तो टीवी भी नहीं है या फिर उनके घर में टीवी खराब है, तो मैं उन लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जियो टीवी के ऊपर नारुतो को देखो, क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कम ही चांसेस है कि हम लोग को नारुतो का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिले, क्योंकि सोनी चाहे तो संडे और सैटरडे को भी रिपीट टेलीकास्ट कर सकते हैं नारुतो का। बट मैं फिर भी आप लोग यही कहूंगा कि आप लोग उम्मीद कम ही रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सोनी जो है वो आईपीएल को देखते हुए रिपीट टेलीकास्ट की टाइमिंग अनाउंस करेंगे। बट इसके अलावा एक चांसेस है कि आप लोग को नारुतो रिपीट टेलीकास्ट जो है वो देखने को मिल जाए सोनी पर, क्योंकि सोनी एक नया सरप्राइज लाने वाले हैं जिसका नाम है द जायंट व्हील फेस्टिवल, जो कि 4 से 11 जून के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो शायद हो सकता है कि उस टाइम नारुतो का रिपीट टेलीकास्ट हो जाए या फिर कुछ नारुतो को लेकर या फिर कोई और एनीमे आने वाला है सोनी पर उसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिले, क्योंकि सोनी ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि कुछ बड़ा और बहुत ही कमाल का आने वाला है, जो कि देखते हैं सोनी के पास क्या सरप्राइज है हम सभी के लिए। इसके अलावा नारुतो 10 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आप लोग इस तरह की नहीं आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना है। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।